आज का प्रेरक प्रसंग है गालियां। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, मीठी वाणी बोली जाए तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, कड़वी वाणी बोलने से अपने भी पराये हो जाते हैं, मधुर वचन बोलने में किसी का कुछ जाता नहीं, कुछ बिगड़ता नहीं, फिर भी न जाने क्यों आदमी कटु भाषा का प्रयोग करता रहता है। कहा गया है वचने का दरिद्रता। मीठी वाणी मधुर वचन कहने में क्या दरिद्रता प्रकट करनी चाहिए? गौतम बुद्ध कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे। कोई प्रशंसा करे अथवा निंदा, मधुर वचन बोले अथवा गालियां दे, वे सदैव शांत ही रहते थे, संभाव ही रखते थे। एक बार एक गृहस्थ के घर वे भिक्षार्थ गए थे। वह गृहस्थ निरर्थक ही साधु संतों को कटु वचन कहता रहता था। गौतम बुद्ध को भी वह गालियां देने लगा। बुद्ध शांत भाव से सुनते रहे। उनके मुख पर यदि कोई भाव आया भी तो करुणा का ही। वह अज्ञानी गृहस्थ जब पर्याप्त गालियां दे चुका और थक गया, चुप हुआ, तब बुद्ध ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कभी किसी साधु संत को कुछ भिक्षा तो देते ही होगे? हाँ, सो तो देता हूँ, गृहस्थ ने उत्तर दिया, और जो वस्तु साधु ग्रहण ना करे उसका क्या होता है? वह वस्तु या पदार्थ कहाँ रहता है? वह मेरे पास ही रह जाता है। तो भाई, जो गालियाँ तुमने मुझे दी वे यदि मैं ना लूँ तो वह किसके पास रहेगी? बुद्ध के इस प्रश्न का मर्म उस गृहस्थ ने कुछ क्षण सोचकर जाना और लज्जित होकर पश्चाताप करता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध तो दया और क्षमा के सागर थे। वे एक मौन मधुर मुस्कुराहट बिखेर कर आगे बढ़ गए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।